सदर अस्पताल में मंगलवार को संदिग्ध स्थिति में इलाजरत एक महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना पर अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। महिला की पहचान नेपाल के गौर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय नीलम देवी के रूप में हुई है। वही इस मामले में सिविल सर्जन यूसी शर्मा ने बताया कि बीती रात पुलिस गश्ती वाहन के दौरान महिला को अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया था, जिसका आपातकालीन विभाग में इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। महिला नेपाल के गौर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस के परिजन के आने के बाद महिला का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी। पर एक महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाई गई इलाज हेतु, और कहां पाई गई, कैसे पाई गई, क्या कंडीशन था ये पता नहीं, लेकिन इलाज के क्रम में ही मर गई। उसके साथ कोई गार्जियन नहीं था, अकेली थी, केवल पुलिस लेकर के आई थी। सर कहां की बताई जा रही है? वो बताई जा रही कि 30-35 साल की महिला है, नेपाल में गौर है कोई थाना, वही गौर थाना के नेपाल की रहने वाली है। उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है। अब डेड बॉडी के लिए वहाँ से फ़ोन आ रहा है, जहाँ उसका घर है वहाँ से कहीं संपर्क हुआ तो लोग कह रहे हैं कि आप भेजवाइए, तो उसी के व्यवस्था में हम लगा लें कि कैसे उसका अपडेट भेजा जाए। कौन था सर भर्ती करवाया था यहाँ पे, ये मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस एडमिट करा करके चली गई थी। पुलिस जो वाहन जो चलती है, पुलिस वाहन उससे थाना नहीं बता गश्ती वाले से।